नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आशीष कुमार नयन। हम आपको ट्रेन में घटित घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि आप लोग सुन के दंग रह जाएंगे और आपके मन में ये कहावत जरूर आएगी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। तो घटना की शुरुआत एक महिला से होती है जिसका नाम सुनैना है। तो घटना को सुविस्तार रूप से सुनने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं ट्रेन में घटित घटना। जैसा कि आप लोगों को बताया था कि यह घटना सुनैना की है, तो वह एक बार ट्रैवल करने के लिए निकलती है। सुनैना को प्रयाग स्टेशन से गाड़ी पकड़नी थी। स्टेशन पर तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ थी। रिजर्वेशन स्लिप में ढूंढने से उसने पाया कि डिब्बे में 3 सहयात्री महिलाएं थी। 2 महिलाएं आ चुकी थी, जिनमें एक महाराष्ट्रियन थी और दूसरी पंजाबी थी। दोनों महिलाओं के पास काफी सामान था। पंजाबी महिला संभवतः किसी मीटिंग में भाग लेने जा रही थी। उसने सलवार कमीज दुपट्टा सभी खादी के पहन रखे थे। उसके चेहरे पर रौब था, लावण्य नहीं। उसने अपने परिचय में बताया कि वे पंजाब के एक विस्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए आश्रम की संचालिका थी। मराठी महिला ने अपना कोई परिचय नहीं दिया। उसके सामान पर लगे लेबल से पता चला कि वह मेजर जनरल बनोलकर की पत्नी थी। गाड़ी की सीटी देते ही चौथी महिला ने डिब्बे में प्रवेश किया। उसके हाथ में छोटा सा बैग और कांत में चौकोर बटुआ था। उसकी लंबाई 5 फुट 10.5 इंच और वो रो रही थी। चौथी महिला ने अपना परिचय देते हुआ कहा कि उसका नाम मरियम है, वह कल ही पेरिस से भारत आई है और अपने पति की मृत देह लेने आई है। मरियम की वेशभूषा को देखकर लग नहीं रहा था वह विधवा है। उसने बताया कि असल में पिछले वर्ष एक पर्वतारोही दल के साथ मेरे पति भारत आए थे, वहीं एक एवलांच के नीचे दबकर उनकी मृत्यु हो गई। भारत सरकार की सूचना पर वह भागती हुई आई है। वह भारत में सती होने के लिए आई है। तीनों महिलाएं यह सुनकर स्तब्ध रह गईं। खादीधारी पंजाबी महिला उठकर मरियम के सिरहाने बैठ गई और बोली, नहीं, आपको ऐसी मूर्खता करने का कोई अधिकार नहीं, यह एक अपराध है, क्या आप नहीं जानती? पंजाबी महिला ने मरियम से कहा कि वह उसके साथ चलेगी, पति के अंतिम संस्कार के बाद उसे अपने आश्रम में ले जाएगी। मरियम अपने निश्चय पर अड़िग रही और बोली, मेरी पर नानी और नानी तथा माँ भी सती हुई थी। सारी महिलाओं ने मरियम को समझाने के बहुत प्रयास किए, मगर मरियम अपने सती होने की बात पर अड़ी रही। इसके बाद मरियम ने सबसे खाना खाने के लिए कहा और स्वयं मुंह हाथ धोने के लिए गुसल खाने में चली गई। उसके वहां से जाते ही तीनों महिलाओं ने उसके सती होने के संबंध में बातचीत की। मराठी महिला ने उसे अजीब औरत कहा, क्योंकि मरने वाला ढिंढोरा पीट कर नहीं मरता। खादीदारी महिला का पूर्ण विश्वास था कि मरियम अवश्य सती हो जाएगी, हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। तभी मरियम हाथ मुंह धोकर आ गई। सबने अपने अपने टिफिन दान निकाले और सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद मरियम ने पान दान निकालते हुए कहा, या मेरे नीलू, नीलू उसका मृत पति, या मेरे नीलू ने मुझे बगदाद से लेकर भेंट किया था। उसे पान बेहद पसंद थे। उसने खुद पान खाया और तीनों महिलाओं को भी खिलाया। फिर चारों महिलाओं में सती प्रथा पर बहस छिड़ गई। थोड़ी देर बाद मरियम बोली, चलो जी अब सो जाओ। तीनों महिलाएं गहरी नींद में सो गईं और तरह तरह के सपने देखने लगी। जब सबकी आंख खुली तो देखा मरियम गायब थी। वह अपने साथ सबका सामान ले गई थी। सुनैना ने कहा, पान में मिलाकर कोई नशा वाली चीज खिला गई। पंजाबी महिला बिलक बिलक के रोने लगी, क्योंकि उसके सूटकेस में आश्रम के 10,000 रुपये थे। मिसेज वनोलकर बोली कि उनके विवाह का जड़ाऊ सेट गायब है, लगता है सती की बच्ची हमें कोई विष खिलाकर ले गई, सिर फटा जा रहा है। थोड़ी देर बाद उन्होंने चेन खींचकर गाड़ी रोकी। सती को पकड़वाने के लिए पुलिस की खबर की गई, पर सती आज तक नहीं मिली। तो दोस्तों, इस घटना से क्या सीख मिली हमें, आइए जानते हैं। प्रत्येक घटना का अपना कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। इस घटना को आपके साथ शेयर करने का उद्देश्य भी हास्य व्यंग्यात्मक के माध्यम से यह बताना है कि यात्रा करते समय हमेशा सजग रहना चाहिए,
किसी की बातों में आकर उस पर इतना विश्वास ना कर ले कि वह अंत में आपको ही लूटकर भाग जाए। यात्रा के समय हमें अपने सामान, अपने आसपास के लोगों के प्रति सजग रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये घटना आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें।